हाँ जी दादा। प्रजा पिता की 100 साल आयु सन 76 में कैसे हुई? शिव बाबा कौन सी अवस्था में प्रवेश करते हैं? शिव बाप जब आते हैं तो कौन सी अवस्था में आते हैं? वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं। वानप्रस्थ अवस्था कितने साल में मानी जाती है? 60 साल में मानी जाती है। तो सन 36 में प्रजापिता में आए या ब्रह्मा में आए? ब्रह्मा में आए। अभी तो बताया ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार से मतलब ये नहीं होता है कि प्रवेश कर लिया। भक्ति मार्ग में तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को कितने साक्षात्कार हुए? क्या प्रवेश कर लिया? भगवान ने थोड़ी प्रवेश कर लिया। तो साक्षात्कार होने से ये साबित नहीं होता कि प्रवेश कर लिया। साक्षात्कार हुए, अपने गुरु से पूछा, पता ही नहीं चला, और गुरुओं से पूछा, उन्होंने भी ना कर दिया। बनारस के पंडितों के बीच में गए, उनसे भी कुछ उनको हल नहीं मिला। तो अपनी दुकान में जो वयोवृद्ध मैनेजर रहता था, उनका भागीदार था गांव दुकान का, उससे पूछा, जिसको उन्होंने सारी दुकान सौंपी हुई थी होशियार समझ करके, उसने सारी बात बताई। शिव बाप ने पहले पहले उसमें प्रवेश किया और ज्ञान का बीजारोपण किया। तो उस समय भागीदार की कितनी अवस्था रही होगी? है 60 साल, उसमें 40 साल और जोड़ दो, 60 में 40 साल और जोड़े, सन 36 में 40 जोड़े तो कितने आए? 76 आए। 76 में बाप प्रत्यक्ष होता है। सन 76 ही है जिसके बाद शिवरात्रि की छुट्टी घोषित हुई है हिंदुस्तान में। क्या महाशिवरात्रि की पहले छुट्टी नहीं होती थी? क्यों नहीं होती थी? क्योंकि शिव बाप इस सृष्टि पर आया ही नहीं। सन 76 से बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और भारतवर्ष में महाशिवरात्रि की छुट्टी गजेटेड होली डे में ऐड कर ली जाती है। और हाथ तो उठा दो, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। हाथ उठाओ। हाँ 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 क्या कहा है? महादेव ने महादेव ने मृग का शरीर स्वरूप धारण कर लिया है। जंगल में चले गए, गंगा जंगल में चले गए मृग का रूप धारण करके। हाँ फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर ने सिंह पकड़ लिया। शंकर और महादेव अलग अलग है क्या? क्या अगड़म बगड़म पूछ रही हो? पहले शास्त्रों में फिर से दोबारा पढ़ लेना, फिर उसके बाद पूछना। हाँ और पूछो बाबा। हाँ शास्त्र में काम नाम के आधार पर काम के आधार पर काम के आधार पर नाम पड़े हैं। शारदेवी के और देवी सबका भोग लगते हैं, फल फूल का और मर मिठाई का। किसका? देवी सबका भोग लगते हैं भक्ति मर में। और गरिमा कौन ऐसा आत्मा है से उसका 5 बरस पर पूजा होते और पारा लाखों लाख चढ़ाते हैं? तो ऐसा आत्मा है नहीं पूछते हैं। बात में दर्द
देवी सबको तो मर मिठाई चढ़ते हैं चढ़ते हैं और वो कैसा देवी है से उसको पारा का भोग लगते हैं और बलि चढ़ते हैं। बड़ी भाई मेला को समझ गए माना ये कि देवी है, देवी का सतो प्रधान रूप भी है और देवी का तमो प्रधान रूप भी है। सतो प्रधान देवी को गोरी दिखावेंगे या काली दिखावेंगे? गोरी दिखाते हैं, वो है लक्ष्मी, उसको मांस मदिरा का भोग लगाते हैं कभी? नहीं लगाते हैं। और महाकाली तमो प्रधान रूप है या सतो प्रधान रूप है? महाकाली जो है वो देवी का तमो प्रधान रूप है, तो तमो प्रधान रूप होगा तो मां समंदरिया खाएगी या नहीं खाएगी? है? और उसका भोग लगाना पड़ेगा कि नहीं भक्तों को? पांच साल पर उसको पूजा क्यों होती है? पांच साल पर उसको पूजा क्यों होती है? हाँ, वो पांच साल के बाद पूजा इसलिए होती है कि जब सन 76 होता है तो सन 76 में बाप प्रत्यक्ष होता है ना। बाप आते हैं तो पंचवर्षीय प्लान लाते हैं। क्या कहा? पांच वर्ष का प्लान लाते, जैसे अपनी गवर्नमेंट है ना, पंचवर्षीय प्लान बनाती है, हैं? तो उनके प्लान तो बनते ही रहते हैं, कभी पूरे नहीं होते। और भगवान तो एक ही बार पंचवर्षीय योजना बनाता है। सन 76 में आया, सन 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ और 78 से प्लान शुरू हो गया। 78, 79, 80, 81, 82, पांच साल हो गए। और 83 में 13 होना चाहिए ना, अव्यक्तवाणी में बोला। तो देवी जो है, जो महाकाली का रूप धारण करने वाली है जगदम्बा, वो 13 बन जाती है 83 में। क्या पूछा जाए कि 83 से पहले और ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर 83 के लिए ये बात क्यों बोली कि 83 में 13 होना चाहिए? 83 तक कोई 13 माने भगवान का हुआ ही नहीं। हाँ, एडवांस पार्टी में पहली पहली कन्या निकलती है जो 83 में 13 हो जाती है। तो दिखाया गया कि हर 5 साल के बाद ये काम होता है। और बाबा, हाँ, ब्रह्मा के मस्जिद में चंद्रमा देखा जी, शंकर के मस्जिद में चंद्रमा देखा जी, फिर काम भी सुना पकड़ के शंकर इतना सुना से नहीं थी ना, और काम में भाई जी गा के पकड़ लिया तो और ठगी आई थे शंकर को फोटो नाम देखे। क्या बोला? समझ में ही नहीं आया इनको। ए, 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 ये नेपाली लोगों को ही नहीं समझ में आता। हाँ। तो आपने नेपाली भाषा में बोलो धड़ाधड़। हाँ बोलो। चंद्रमा दिखाते हैं, ब्रह्मा के मस्तक में चंद्रमा भी दिखाते हैं, ब्रह्मा के मस्तक में चंद्रमा भी दिखाते हैं, ब्रह्मा के मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं। दोनों का चंद्रमा दिखाते हैं, ब्रह्मा का शंकर को देखो। ब्रह्मा तो खुद ही चंद्रमा है। क्या सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण बनता है और कलयुग के अंत में कला हीन हो जाता है? इसलिए ब्रह्मा की आत्मा तो खुद ही चंद्रमा है, लेकिन वो चंद्रमा जो है, ब्रह्मा वाली आत्मा, संगम युग में जो नारायण बनता है, नर से डायरेक्ट नारायण, कौन? शंकर नारायण, उसका बच्चा बनता है। तो बाप जो है अपने बच्चे को सर पर धारण करता है या नहीं धारण करता है? सर माथे पर चढ़ाता है या नहीं चढ़ाता है? बच्चे ने अच्छे काम किए या बाप ने अच्छे काम किए? कोई भी माँ बाप को बच्चों को सर माथे पर क्यों रखना पड़ता है?
कोई भी माँ बाप जिसके घर में बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, उसकी टट्टी पेशाब साफ करता है कि नहीं? माँ उसको गर्भ से जन्म देती है कि नहीं? 9 महीने पालती है कि नहीं? पढ़ाता लिखाता है कि नहीं? जब बड़ा होता है तो सारी जिंदगी की कमाई सौंपता है कि नहीं? इससे बढ़िया दास दासी और कौन मिलेगा? तो माँ बाप बच्चों के दास दासी हुए ना? जो दास दासी होते हैं वो अपने मालिक को शरमाथे पर रखते हैं। समझ में आ गई बात? है? अरे इनकी बात तो समझ में आ गई। तो कृष्ण वाली आत्मा तो खुद ही चंद्रमा है। वो चंद्रमा जब जगदम्बा में प्रवेश करता है, क्या किस में प्रवेश करता है? जगदम्बा में, महाकाली के रूप में, तो महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है। वो महाकाली है डब्बा, और ब्रह्मा की सोल है आत्मा। क्या है ब्रह्मा की सोल? क्या है उसमें प्रवेश हुई? आत्मा। तो वो आत्मा को चंद्रमा के रूप में दिखाया गया है महाकाली को। तो गलत बात थोड़े ही है, ब्रह्मा ही तो चंद्रमा है। और नवग्रह है, ग्रह माने घर, ग्रह माने घर, घर गृहस्थ होता है तो ये घर गृहस्थ बनता है। बीज बाप हाँ, और अम्मा जड़ आधार, और फिर पैदा होते हैं पत्ते, तो वो हो गए बच्चे। तो अरे सुनो, तो ये तीनों मिलकर के ग्रह बन गया, घर ग्रस्त बन गया। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं वो हैं बाप। मान लो 8-9 सूक्ष्म बीज हैं अष्टदेव, वो 8-9 स्थूल बीज में प्रवेश कर जाए वो हो गए बाप। स्थूल बीज वो 8-9 नारायण में प्रवेश कर जाए तो वो 9 नारायण की आत्माएं हो गई अम्मा। और फिर उनसे भक्ति मार्ग में पैदाइश होती है ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं की, वो हो गए बच्चे। ये तीनों संस्कार से मिलकर के इकट्ठे हुए तो ग्रह बन गया नवग्रह। इनका पूजन होता है। और भक्ति मार्ग होते ही फल दान भगवान फल दान कर शांति क्या क्या भक्ति मार्ग में लोहे का दान करते हैं, लोहे का दान करते हैं, ग्रह शांति कर लेते हैं, शांति करने के लिए जो नवग्रह है हाँ? उसको लोहे का दान करके ग्रह शांति कर ऐसा ऐसा शांति। सतयुग है सोने समान, त्रेता है चांदी समान, द्वापर है कॉपर कॉपर समान, और कलयुग है लोहा समान। तो कलयुग में जो कुछ भी है वो सब क्या है? सोना है, लोहा है। तो ये कलयुग की दुनिया को दान कर दो, बुद्धि से अर्पण कर दो, तो ये शांति हो जाएगी, नौ ग्रह शांत हो जाएंगे। ये कलयुग की दुनिया को दान कर दो, कलयुग की दुनिया को बुद्धि से निकाल दो, और क्या और क्या हाँ बोलो। अष्टदेव को ही ग्रह कहेंगे बाबा?
अष्ट देव जो हैं वो बीज रूप आत्माएं बाप हैं सब धर्मों की, पूर्वज हैं। और वो पूर्वज जो हैं वो आठ नौ जो नारायण हैं सतयुग के, उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को पलटती है। अरे बात तो पूरी सुन लेने दो, सुनो तो, ये कुछ बोल रहे हैं, दूसरे की भी बात सुनो। एक मिनट, जैसे राम वाली आत्मा है बीज, क्या है राम वाली आत्मा है बीज, और वो ब्रह्मा वाली आत्मा है आधार जड़, है ना? तो राम वाली आत्मा जब संपन्न बीज बन जाएगी तो बैल के ऊपर सवार होगी या नहीं होगी? मुरली में बोला है शंकर बैल पर सवारी करते हैं, छलांग लगा के सवारी करते होंगे। छलांग लगाना माने हाई जंप लगाना। साधारण पुरुषार्थ से सवारी करेंगे, दौड़ के सवारी करेंगे, चल के सवारी करेंगे, बैठे बैठे सवारी करेंगे, लेटे लेटे करेंगे, या हाई जंप लगा के करेंगे? हाई जंप लगाते हैं तो बैल के ऊपर सवारी हो जाती है। तो राम वाली आत्मा कहो, चाहे उसे शंकर के नाम रूप से कहो, वो हाई जंप लगाती है पुरुषार्थ की और ब्रह्मा रूपी बैल पर सवार हो जाती है। माँ सवार होती है बाप के ऊपर या बाप सवार होता है अम्मा के ऊपर? बाप सवार होता है अम्मा के ऊपर, बाप कंट्रोल करता है अम्मा को। तो वो हो गई आधार मूर्त, कौन? ब्रह्मा की आत्मा। और वो हो गई बीज रूप बाप। फिर पैदाइश कुछ होगी कि नहीं होगी? तो वो पैदाइश होती है पहले नारायण की, उसका नाम क्या पड़ता है? कृष्ण। सत्युग में जो बच्चा पहला नारायण पैदा होगा क्या नाम पड़ता है? कृष्ण नाम पड़ता है। ऐसे ही और सात नारायण हैं। सत्युग में नौ नारायण हुए कि नहीं, संगम युग वाला मिला के? तो नौ नारायण हो गए आधार मूर्त माता। यही नौ नारायण जो हैं भक्ति मार्ग में जाकर के धर्म पिताओं के आधार बनते हैं। उनके बुद्ध रूपी पेट में कौन आएगा? वो धर्म पिताएं आएंगे, वो बच्चा हो गए। वो धर्म पिताएं अभी आके माथा नवाएंगे कि नहीं नवाएंगे? संगम युग में रामकृष्ण की आत्माओं को पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। तो वो हो गए माँ बाप, वो हो गए बच्चे, तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो गए। अब नई दुनिया की शुरुआत होती है, नई नाटकशाला की शुरुआत होती है, नया ड्रामा शुरू होता है। तो ये नौ ग्रह हो गए, ग्रहग्रस्त हो गए, एक दूसरे को ग्रहण कर लिया। बाप ने अम्मा को ग्रहण कर लिया, अम्मा ने बच्चा को ग्रहण कर लिया। ग्रह माने क्या? घर। ग्रहण करना, उनको लोहा दान करने से घर में शांति होती है। हाँ, नौ जो हैं, जो पूर्वज हैं, वो संपन्न आत्माएं हैं कि नहीं? अष्टदेव, जो अष्टदेव संपन्न आत्माएं हैं, वो सबसे क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं कि नहीं? उन आठ से ही स्वर्ग बन जाएगा है? बन नहीं बन जाएगा। वो सबसे चाहते हैं कि ये पुरानी दुनिया भूल जाओ, इस पुरानी दुनिया का, लोहे की दुनिया का, लोहे की चीज का हमको दान दे दो, ये तमो प्रधानता भूल जाओ, खत्म कर दो। तो दान मांग ही रहे हैं। करनी घोर ब्राह्मण है, ये पुरानी चीज है हमको दे दो। हमारा बाप भी करनी घोर बन करके आता है, ये आठ ब्राह्मण भी करनी घोर ब्राह्मण हैं। ये कलयुग की दुनिया दान में मांगते हैं। और बाबा शास्त्र में कागजात 26 वर्णों का उल्लेख है,
है, है? 4000 36 वर्णों का उल्लेख है। 4036 36 वर्ण 400000 चार जाति हैं। चार वर्णों का उल्लेख है, 36 वर्ण का उल्लेख, 36 वर्ण, चार वर्ण, 36 ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, कुछ और नहीं उल्टा बोला। चार वर्ण का उल्लेख है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो हम लोग यहाँ पर तो एक ही जात है बाबा, है? मुझे जरा समझा दीजिए, यहाँ पर हम लोग एक ही जात है, हम लोग एक ही जाति हैं। मैंने संगम में ब्राह्मण एक ही जात हो गए? नहीं, नौकरी के ब्राह्मण है। अरे कोई इस्लामी धर्म में कन्वर्ट होगा, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, उन नौ रूपों को चार युगों में बांट दिया गया है। पहला युग है सूर्यवंशियों का सिर्फ, दूसरा युग है चंद्रवंशियों का, उसमें सूर्यवंशी भी ऐड हो जाते हैं। फिर जब द्वापर शुरू होता है तो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये तीनों ऐड हो जाते हैं देवी देवता सनातन धर्म वालों के साथ। वो हो गए वैश्य, विष हो गया, व्यभिचारी हो गए सब। जो देवताएं थे वो इस्लामियों के साथ मिक्स हो गए, इस्लामी थे बौद्धियों के साथ मिक्स हो गए, बौद्धी थे क्रिश्चियंस के साथ मिक्स हो गए, सब एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगे। तो विषय वासना बढ़ेगी या घटेगी? तो विशेष हो गया, ये वैश्य कहा गया, विशेष से पैदाइश हुई वैश्य की। फिर उसके बाद शूद्र, तो क्षुद्र हैं, वैश्यों से भी गए बीते हैं, थर्ड क्लास नहीं, फोर्थ क्लास वर्ण है क्षुद्र वर्ण। क्षुद्र माने एकदम नीचा, तो अभी नहीं है, हम ब्राह्मणों के अंदर ही बैठे हुए हैं। कोई का फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ, कोई का सेकंड क्लास, कोई का थर्ड क्लास, कोई का क्षुद्र। सबको ब्राह्मण बनाए इनका कहना है, है? सबको ब्राह्मण क्या? नौकुरी के ब्राह्मण होते हैं कि नहीं भक्ति मार्ग में, तो सब ब्राह्मण ही कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? यहाँ ये भाई जी का कहना है कि यहाँ चार जाति चार वर्ण ही होना चाहिए। रावण को 10 शीश थे, 10 शीश ब्राह्मण थे, कुछ और थे, 10 शीश ब्राह्मण थे ना, हैं तो छोटे बड़े, लेकिन हैं सब ब्राह्मण। ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहेंगे। अरे नीची कुरी का ब्राह्मण है तो, और ऊंची कुरी का ब्राह्मण है तो, है तो ब्राह्मण। और बाद में भक्ति मार्ग में चार ठो राम का दिखाया गया, चार ठो दिखाया गया, चार भाई दिखाए गए, नहीं चार ठो राम, एक ठो राम कहते बोलते थे सबका अंदर है, और एक ठो राम। ये भक्ति मार्ग में जो कहते हैं सो हमको कहना जरूरी है? ये क्यों पूछते हो? प्रश्न हमसे लिया, प्रश्न हमसे पूछा, एक उसको ज्ञान हम सुनाया ना, हाँ। तो पूछते हैं हमसे तो चार नाम है उसको आप बतलाइए, तो हमको नहीं आया, तो वही हम आपसे पूछते हैं बाबा, तो वही पूछते हैं सर, एक राम कहते हैं सबके अंदर है, और एक राम रहे दशरथ के बेटा, और एक राम जगत नहीं आया, एक राम जगत पसारा, जगत पसारा होता है, राम सर्वव्यापी होता है। दुनिया जो कुछ पूछेगी सो झूठ पूछेगी, दुनिया का तो प्रश्न ही झूठा है, भगवान सर्वव्यापी होता ही नहीं, घट घट में राम है ये होता ही नहीं, वो एक ही है, राम निराकार एक ही है, वो न्यारा है सबसे। क्या? जो रम्यते रोगिणो यस्मिन इति राम, जो योगियों में रमण करता रहता है बुद्धि में, वो ही राम है। कौन राम रमण करता रहता है? वो बिंदी नहीं, वो बिंदी जिस साकार में प्रवेश करती है वो प्रवृत्ति मार्ग है, वो प्रवृत्ति मार्ग वाला राम सब की बुद्धि में रमण करता है। जब दुनिया का विनाश होगा तो सबको कौन याद होगा?
वही राम याद होगा, वही विश्व का बादशाह सबकी नजर में रमेगा। वो एक ही है, चार है ही नहीं। अब फालतू बातें बनाई है भक्ति मार्ग वालों ने, बातें बैठ बनाई है, दुनिया भर की कथा कहानियां बना दी, ये ऐसा है वो वैसा है, एक राम ऐसा है, दूसरा राम वैसा है, तीसरा राम वैसा है, चौथा राम वैसा, पांचवा राम वैसा, कितने राम बना लो। हाँ तो उनको बताओ, उनको सही बात बताओ, पहले ये बताओ राम का अर्थ क्या है, उनसे पूछो, बताएंगे बताएंगे नहीं बताएंगे, पहले उनको अर्थ बताओ। राम माने जो सबके अंदर रमण करता है, खेल कर रहा है सबके अंदर, सबको याद आ रहा है। वो कौन सा टाइम है जो एक राम सबको याद आता है, सारी दुनिया में एक ही एक याद आएगा, क्राइस्ट याद नहीं आएगा किसी अंश को, मुसलमानों को मोहम्मद याद नहीं आएगा उस समय, समझ जाएंगे झूठे हैं ये सब। एक ही अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा है, सात की बुद्धि में बैठेगा, मुसलमान भी मानते हैं राम अल्लाह, रामजान, रमजान मनाते हैं कि नहीं, मुसलमान भी राम को मानते हैं। तो एक ही राम है, और वो राम ये नहीं कि वो बिंदु है, वो बिंदु नहीं सबके अंदर रमण करता है, बिंदु को याद करना ही बड़ा मुश्किल है, सबको याद नहीं, उस याद में नहीं टिक पाते हैं। जो धर्म पिताएं हैं, पावरफुल आत्माएं, वो ही बिंदु की याद में टिकती हैं। निराकार को याद करना इतना सहज नहीं है, तो वो निराकार की बात नहीं है, और वो साकार की बात नहीं है। साकार को याद करेंगे तो दुर्गति होगी सदगति होगी, हैं? उस राम के 84वें संगमयुगी शरीर में से निराकार शिव को निकाल दो, वो याद न रहे, तो शव है या शिव है? शव, शव माने मुर्दा, मुर्दे को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? हम भी मुर्दा बन जाएंगे। तो मुर्दे को याद करने की बात नहीं है, उस बिंदु को याद करने की बात नहीं है, उस बिंदु निराकार को उस साकार में याद करने की बात है, वो एक ही है, एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, दो नहीं है। और बाबा अभी आपने कहा गीता दो गीता है, एक भगवान वाली गीता और एक मनुष्य वाली गीता। मनुष्य वाली गीता तो मनुष्य ने लिखा होगा, पर भगवान वाली गीता किसने लिखा? वो लिखी है, क्राइस्ट आए उन्होंने क्या बाइबिल लिखी कि बोली? मोहम्मद आए उन्होंने कुरान लिखी या बोली? कुरान की बातें। गुरु नानक आए उन्होंने गुरु ग्रंथ की साहब की बातें मुख से बोली है या लिखी है? क्या किया? बोला है। तो ऐसे ही भगवान भी आकर के ज्ञान की बातें बोलता है, गीता ज्ञान की बातें सुनाता है, लिखता थोड़ा ही है। गीता लिखा है भगवान वाच, उवाच, उवाच, उवाच माने मुख से बोलना, सभी धर्म पिताओं ने मुख से बोला है, लिखा थोड़ा ही है, लिखा च थोड़ा ही लिखा है। हाँ, बाबा मान टापू में जो बच्चे विनाश के समय में जगह खरीदा है, विनाश के समय में रहने के लिए मान टापू में जगह खरीदा है, विनाश का समय होगा तो जो जगह खरीदा है उसी बच्चे को तो वहाँ ठा मिला है, जो बच्चे नहीं खरीदा है ऐसा कुछ नहीं। ये थोड़े ही मुरली में डायरेक्शन दिया गया है कि जो वहाँ जगह खरीदेंगे उनको रहने की जगह मिलेगी। ये कहा है जिसके पास फालतू पैसा है, बैंकों में डाल रहे हैं, फिर सोच रहे हैं बैंकें कल फेल हो जाएंगी,
करेंसी फेल हो जाएगी, नोट फेल हो जाएंगे। जिनके पास ढेर सारा पैसा पड़ा है, सोना पड़ा है, कंपनियों में डाल रहे हैं, कंपनी रोज फेल हो रही है, तो हमारे पैसे का क्या होगा? LIC में डाल रहे हैं, जीवन बीमा कंपनियों में डाल रहे हैं, भूकंप आएगा भुज में, गुजरात में भूकंप आया 2001 में, सारी कंपनियां उड़ गई। जीवन बीमा कंपनियां जितनी भी काम कर रही थी वो सब पता नहीं कहां चली गई, तो किसी का पैसा नहीं मिला। तो लोग सोचते हैं, चिंता में पड़े हुए हैं, इतना धन हमने कमाया, बाप दादे का धन हमारे पास पड़ा हुआ है। जो राज परिवार के लोग हैं, नेपाल का राजा परिवार है ना, उनका धन गड़ा पड़ा है कहीं, वो जानते हैं कहां पड़ा है, वही चिंता में है क्या होगा, एटम बम बन चुके हैं। तो उनके लिए बाबा ने बताया, माउंट आबू एक ऐसी जगह है कि दुनिया का अंतिम विनाश होगा, तब तक वहां की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कभी कीमत कम नहीं होगी। बाकी आखिर में तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो माउंट आबू भी खत्म हो जाएगा। तो चिंता किस बात की? अगर तुम्हारे पास बहुत है, बाल बच्चों को खाने के खिलाने के अलावा, तो वहां लगा दो। ये कहा, ये तो कोई मुरली में ऐसे बोला नहीं, कोई क्लेरिफिकेशन वैसा नहीं बोला गया कि जो वहां जमीन खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, उनको जगह मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी। शिव बाबा तो गरीब निवाज है या पैसा निवाज है? गरीब निवाज है, गरीबों को तो पहले जगह मिलेगी। हाँ ये है कि गरीब अपने तीन पैर पृथ्वी में अपना काम चला लेंगे, जो करोड़पति होंगे वो कहेंगे हमें तो बड़ा कमरा चाहिए, सो थोड़े ही बाबा दे देंगे। पूरा विश्व में एक ही ट्रेन चलेगा, 47 में एक ही ट्रेन चली थी कि नहीं चली थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब लड़ाई हुई थी मुसलमानों में और हिंदुओं में, तो हर जगह से एक ही पहली ट्रेन चली थी, वो बच गई, उस ट्रेन में जाने वाले बच गए, और फिर दूसरी ट्रेन जो चली उसे उन्होंने स्टेशनों से वो सब काट डाले गए। तो उसके कौन जिम्मेवार? छूट जाएगा, एक ही ट्रेन नहीं पकड़ेगा। लापरवाही किसकी? हमारी, शिव बाबा की। फिर बाबा ने पहले बता दिया, तुम अपना लटू लेजमा पहले से संभाल के रखो, तैयार होके रहो, बैग एंड बैगेज अपना तैयार करके रखो, अभी टाइम ज्यादा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीती मीठी ठीक करो, हाँ जीती मीठी ठीक, ये भी रेडी रहो। ना क्या बाबा कहा है? बाबा बोला ना जीती मीठी ठीक, ये भी रेडी। हाँ और के साथ चलो। 2000 की बात कर, एटॉमिक विस्फोट के बाद, एटॉमिक विस्फोट के बाद पृथ्वी में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, अब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पिघलेंगे। वो तो अभी भी पिघल रहे हैं, आपकी बात बदल। हाँ उत्तरी पृथ्वी पर, पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, माना जो चैतन्य पृथ्वी है, धरणी है, उसका नॉर्थ पोल क्या और साउथ पोल, दोनों स्थान जो ऐसे हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ माने जाम है, जल कैसा है, ज्ञान जल जाम है, बुद्धि चलती नहीं। जब सूर्य बहुत तेज तपेगा और पृथ्वी के अंदर अंदर विस्फोट होगा, एटम बमों के विस्फोट होंगे,
अभी भी सूर्य की गर्मी से वो हिमखंड पिघल रहे हैं और उनका पानी समंदर में, समंदर का स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है, अभी धीरे धीरे उठ रहा है। फिर ऐसा होगा कि सूर्य प्रचंड तपेगा। जो यादगार है, राम का जन्म कै बजे हुआ, रात में हुआ कि दिन में हुआ कि घोर सोजरे में हुआ, कब हुआ? दोपहर के 12 बजे। 76 में तो रात के 12 बजे थे। तो जब ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा प्रचंड रूप से तपेगी तो भगवान का साक्षात्कार सबको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कृष्ण के लिए गीता में क्या आया है? इतना समझाया, समझता ही नहीं। प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता चला जा रहा। तो भगवान ने क्या किया? विराट रूप दिखाया। तो सूर्य तेजी से तपेगा, इतना तपेगा जो अर्जुन कहे, हजारों सूर्यों से तेजो मैं तेज है, मैं सहन नहीं कर सकता, बस बस बस, त्राहिमाम त्राहिमाम। ऐसी स्टेज भी आएगी सूर्य की। चैत्य दशमी में रामनवमी कहते कि अर्थ है? चैत्य दशमी में रामनवमी, राम को पूजा हो, रामनवमी। तुम अब नेपाली में बोलो। नेपाली में चैत्र दशमी में रामनवमी, विजय दशमी रामनवमी में, यहाँ के चैत्य दशमी बोलते हैं रामनवमी। चैत में जब वर्ष शुरू होता है तो देवियों की पूजा के 9 दिन होते हैं। देवियों की पूजा 2 बार होती है, एक बेसिक में होती है देवियों की पूजा, एक एडवांस में भी देवियों की पूजा होती है, वो अभी हुई नहीं है। नहीं समझ में आया? बेसिक में देवियों की पूजा हुई, वो तो सब जानते हैं कि हाँ भाई हमने डूबी जा कर दी कि नहीं कर दी। अभी एडवांस में भी देवियों की पूजा होगी तो 2 बार पूजा होती है। चैत्र मास की जो पूजा है उसके बारे में क्या बोला? रामनवमी। रामनवमी का अर्थ ये है कि 8 नारायण वाली आत्माएं प्रत्यक्ष हो जाती है, फिर 9वें नमन पर राम वाली आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उस समय 9 नारायण ज्ञान में आ चुके थे या नहीं आ चुके थे? हैं? आ चुके थे। 10वां राम वाली आत्मा 76 में प्रत्यक्ष हो गई तो 10वीं मनाई जाती है। कृष्ण जैसे 8 नारायण जो बनते हैं सतयुग में, उनकी अष्टमी और राम की नवमी मनाई जाती है। कहाँ की यादगार? संगमी की यादगार। और बाबा तो सतयुग कृष्ण के 8 भाई दिखाया है, तो सतमा मर गया और कृष्ण बच गया, इसको यादगार कौन क्या है? 8 पुत्र दिखाया देवकी का, तो देवकी का जेल में बंद कर दिया और कृष्ण सतमा पुत्र को मार कर और 8वां का कृष्ण जी के दशोदा के पास। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान यज्ञ चला, उस ज्ञान यज्ञ के पीरियड में 8 नारायण वाली आत्माएं जो सतयुग में कृष्ण से जन्म लेने वाला दूसरा नारायण, फिर उससे तीसरा नारायण, चौथा नारायण, 8 नारायण ब्रह्मा बाबा के टाइम पर ही आ गए कि नहीं आ गए? 8 नारायण आ गए ना, 7 कितने? 7। 7 नारायण यज्ञ में आ गए। 7वें नारायण को कंस ने कोस लिया या नहीं कोस लिया?
माया ने दबोच लिया या नहीं दबोच लिया? सातों बच्चों को कंस ने क्या किया, दीवाल से लेकर के यूं पटक दिया। वो दीवाल याद है कौन सी है, हैं? नहीं याद है? कोई धर्म में दीवाल दिखाते हैं? क्रिश्चियन दिखाते हैं दीवाल? हाँ, मुसलमान धर्म में जो मस्जिद बनाते हैं वो दीवाल बना देते हैं, उस दीवाल के सामने बैठ करके पूजा करेंगे, दबा इबादत करेंगे। वो दीवाल कोई दूसरी नहीं है, ये विघ्नों की दीवाल है जो पुरुषार्थियों को पुरुषार्थ करने से रोक देती है। वो विघ्नों की दीवाल ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में एक थी, शरीर छोड़ दिया, उसने सबको सिखाया। क्या सिखाया? भगवान नहीं है, भगवान नहीं आया है, भगवान नहीं आता, ब्रह्मा बाबा ही भगवान था, कृष्ण की आत्मा ही भगवान, कृष्ण ही भगवान है, शिव शंकर भोलेनाथ कोई नहीं, ये शंकर पार्टी है, ये है वो है वो है। विघ्नों की दीवाल बन के सबके सामने खड़ी हो गई, न खुद पुरुषार्थ किया और न दूसरों को करने दिया। ये विघ्नों की दीवाल उन सातों नारायणों के सामने खड़ी कर दी। वो सातों कंस की जेल में कोस लिए गए, दीवाल से पटक के मार दिया। तो वो सात कृष्ण समझ में आए, मारे गए, वो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते क्योंकि भगवान को पहचान नहीं सकते, तो भगवान का बताया हुआ पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। आठवां कृष्ण पैदा होता है, क्या वो बच जाता है, वो कंस के हाथ नहीं आता, कंस के कुसावे में नहीं आता, वो यमुना से पार चला जाता है। यमुना नदी तो मालूम है, नहीं मालूम? अरे गंगा मालूम है, यमुना। अरे एडवांस में सूर्य से पहले पहले पैदा होने वाली पुत्री है यमुना नदी, एडवांस में पहले पहले जगदम्बा से भी पहले निकली यमुना, और वो यमुना इतने बाढ़ पे आई, नदी जब बाढ़ पे आती है खूब पानी बढ़ता है तो उसमें मिट्टी मिली हुई होती है कि नहीं, वो काली नदी कही जाती है, कौन यमुना, ऐसी काली मिट्टी है कीचड़ वाली कि शरीर में पोत लो तो जल्दी नहीं साफ होगी। एक गंगा की मिट्टी होती है, देखिए गंगा का रेत, वो यूं सारे शरीर पर लेते रहो और एक लोटा पानी डालो सारा भाग जाएगा। और ये यमुना की मिट्टी ऐसी है कि चिपक जाएगी तो जल्दी छूटती नहीं। ऐसी यमुना जब बाढ़ पर आई काली नदी तो कृष्ण उससे क्रॉस हो गया। चैतन्य नदी थी या जड़ थी? चैतन्य नदी थी, उससे पार चला गया, डूबा नहीं। नहीं तो काली नदी होती है, काली माई होती है, तो काली माई डुबोएगी या उद्धार करेगी? हैं? डुबो देती है, लेकिन कृष्ण उससे पार चला गया। जन्म दिया देव किया और पालन पोषण किया, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती? जसोदा कौन है जो पालन करती है, और देवकी कौन है जो रोती है? रोती ही रहती है, जेल में पड़ी रहती है, विकारों की जेल में। और बर्मा ही मां काली बनी, बर्मा बाबा
ब्रह्मा बाबा की सोल जगदम्बा भी है और वही जगदम्बा जब महाकाली में प्रवेश करती है दाढ़ी मूछ वाला तो वो देवी के रूप में पूजी भी जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा है, लोगों को वो महाकाली पवित्र नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि महाकाली के पुराने जितने भी मूर्तियां मिल रही हैं, चित्र मिल रहे हैं, उनके मस्तक पर शंकर बैठा हुआ है। उस महाकाली का पार्ट बजाने वाली जगदम्बा ने कितने साल बिताए हैं शंकर के साथ? बिताए हैं महाकाल के साथ या नहीं बिताए हैं? तो भूल जाएगा? भूलती नहीं है, अंदर से वही याद आता है, बाहर से दिखावा करती है। जैसे आज घर घर में महाकालियां हैं, लोग कहते हैं कि विधि ननार हृदय गति जानी, क्या ब्रह्मा ने भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं पहचान पाया? रचयिता भगवान को लोग पहचान सकते हैं, उसकी रचना को नहीं पहचान सकते। तो जगदम्बा रचना है या रचयिता है? रचना है। वो बाहर से दिखावा का पार्ट बजाती है कि मैं देखो सारे ब्राह्मणों की दुनिया को खलास कर दूंगी, क्या महाकाली बनके सारे ही असुर हैं इन सब असुरों को खलास कर दूंगी, आठ ही बचेंगे। फिर वही आत्मा, लेकिन अंदर से प्यार किसके प्रति है? शंकर के प्रति प्यार है। वही आत्मा महाकाल के भी पार्ट बजाती है बाबा। कौन? वही ब्रह्मा वाली। और क्या, महाकाली का पार्ट बजाती है, वही महाकाल है। महाकाल किसके द्वारा? राम वाली आत्मा। शिव बाबा मुरली में कहते हैं धर्मराज मेरे साथ है। तो कौन है धर्मराज? ब्रह्मा बाबा धर्मराज हो गया, वो मेरा राइट हैंड है त्रिमूर्ति में। राइट हैंड में कौन बैठा है? ब्रह्मा बाबा बैठा है। युधिष्ठिर कौन है? ब्रह्मा बाबा। जब युधिष्ठिर है तो युद्ध में स्थिर रहने वाली वही तो आत्मा है। महाभारत में धर्मराज नाम किसका दिया गया? युधिष्ठिर का नाम धर्मराज दिया गया। तो ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज है। सारी धारणा किसने की अच्छे अच्छे गुणों की? ब्रह्मा बाबा ने। पर्सनालिटी कौन होती है? बाप की होती है या माँ की होती है? पर्सनालिटी देखने की चीज और होती है, इन आंखों से देखने की चीज पर्सनालिटी, और जो इस आंख से देखी जाती है वो पर्सनालिटी के अंदर पार्ट बजाने वाली आत्मा का पार्ट है, वो अलग बात। हाँ, और हाँ, शंकर के पुत्र के गणेश शरीर दिखाया है मनुष्य के, उसको गणेश का शरीर दिखाया है मनुष्य का, उसको सिर हाथी के क्यों दिखाया है? इसीलिए दिखाया है कि शिव को जो बच्चा पैदा होता है वो तो मनुष्य होता है। शिव का बच्चा कौन पहला? पहला है? है? अरे शिव का बच्चा कौन? शिव माने बिंदु, शिव ज्योति बिंदु का पहला पहला बच्चा कौन? त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, मुरली में बोला। देवताओं में बड़ा शंकर कहते हैं, तीन देवताओं में बड़ा शंकर को कहते हैं, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? हाँ, कौन हुआ? शंकर हुआ। तो शिव बाबा का पहला बच्चा कौन? शंकर। वो शंकर जानवर है, राक्षस है या देवता है? क्या है? देवता है। और मनुष्य से देवता बना, मनुष्य था, मनुष्य को देवता बनाया या कीट पशु पक्षी को देवता बनाया? मनुष्य है, मूल रूप में मनुष्य है। मनुष्य को पढ़ाई पढ़ा लिखा करके बड़ा बच्चा शंकर बन गया। तो शिव को तो बच्चा हुआ मनुष्य जो देवता बन जाता है, लेकिन मनुष्य क्या पैदाइश करता है?
मनुष्य सतयुग में कहे जाते हैं, त्रेता में कहे जाते हैं, द्वापर में कहे जाते हैं, कहाँ कहे जाते हैं मनुष्य? मन चलाने वाले को मनुष्य कहा जाता है, जिसको मन है उसको क्या कहा जाता है? मनुष्य। देवताओं का मन अमन होता है, वो तो मनुष्य नहीं है, क्या है? देवता है। तो द्वापर युग से जो मनुष्य हुए, उन मनुष्यों की जो औलाद होती है वो श्रेष्ठाचारी औलाद होगी या भ्रष्टाचारी औलाद होगी? है भ्रष्टाचारी औलाद होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं से पैदाइश होती है, मनुष्य की पैदाइश गोमूत्र से होती है। आजकल खेती हो रही है, अनाज ज्यादा पैदा कर रहे हैं कि कम पैदा कर रहे हैं? ज्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन यूरिया की पैदाइश है या शुद्ध पैदाइश है? यूरिया माने यूरिन, यूरिन माने पेशाब। तो गोमूत्र की जो पैदाइश है मनुष्यों से होती है, उससे जानवर पैदा होंगे, बिच्छू टिंडन पैदा होंगे या देवता पैदा होंगे? शंकर से देवता पैदा नहीं हो सकते? हाँ देवता शंकर से देवता पैदा होते हैं? देवता बनाने वाला शंकर है या शिव है? कौन सी आत्मा है देवता बनाने वाली? अरे आत्माएं तो दो अलग अलग है ना, शिव अलग है, शंकर अलग है। इतनी बात तो ब्रह्मा कुमारियों की सही है कि नहीं? इतनी बात तो मान लो कि शिव अलग है आत्मा और शंकर अलग है। तो शिव के बच्चे देवताएं हो सकते हैं, मनुष्य से देवता, वो भी पहले मनुष्य ही थे। और मनुष्यों में पहला मनुष्य कौन, कोई है कि नहीं? शंकर तो महादेवता हो गया, प्रजापिता। तो जो प्रजापिता है वो मनुष्य है या देवता है? मनुष्य है। तो मनुष्य की पैदाइश, मनुष्य की रचना कौन होंगे, देवता होंगे या जानवर बिच्छू टिंडन होंगे? मनुष्य की पैदाइश मनुष्य होंगे। मनुष्य मनुष्य बनाता है, कोई में है मनुष्यता? इतने इतने बैठे हुए कोई छाती ठोक के कहेंगे मैं इंसान हूँ, हमेशा आत्मा की शान में रहता हूँ, कोई कहेगा? कोई नहीं कह सकता, कोई इंसान नहीं है अभी, सब राक्षस हैं। मन से भी बुरा सोचते हैं, राक्षस हैं। आंख से भी गंदा गंदा करते हैं, इसमें आंख लड़ाएंगे, उसमें आंख लड़ाएंगे, इसमें आंख लड़ाएंगे। तो इंद्रियों से व्यभिचार फैलाना, इससे दूसरों को दुख होगा या सुख होगा? इनकी बच्ची बैठी हुई है, उससे हमने आंख लड़ा रही, इनको सुख होगा दुख होगा? है दुख होगा ना। तो इंद्रियां ढेरों से लड़ाना ये दुख पैदा करना हुआ ना। तो हम क्या पैदाइश कर रहे हैं, देवता बना रहे हैं, बिच्छू टिंडन बना रहे हैं या मनुष्य बना रहे हैं? देवता बना रहे हैं, व्यभिचार पैदा करते जा रहे हैं, देवता बना रहे हैं। अरे देवताओं की तो पहचान बता दी, सतयुग में राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, वो हुए देवता। दृष्टि मात्र से भी व्यभिचार नहीं होगा, अभी तो सारी इंद्रियों से ही व्यभिचार कर रहे हैं, उनको मनुष्य कहेंगे? हैं? राक्षस हो गए, बंदर हैं, बंदर। राम ने कौन सी सेना ली? बंदरों की सेना ली। तो भगवान शिव बनाता है मनुष्य को देवता, और मनुष्यों में जो पहला पहला मनुष्य, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, जो पहला पहला मनुष्य है वो कौन है? प्रजापिता। वो क्या बनाता है, है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण बनाता है, वो बनाता है या शिव उसमें प्रवेश करके बनाता है?
है? शिव प्रवेश करके मनुष्य को देवता बनाते हैं, बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है। मनुष्य क्या बनाता है? द्वापर युग से जो मनुष्य हुआ, पहला जिसे व्यास नाम कहा गया, जिसने इतने शास्त्र रचे, उन शास्त्रों से मनुष्य बने हैं या राक्षस बने हैं या जानवर बने हैं? क्या बने हैं? जानवर बने। शास्त्रों से देवता कोई बना या सब जानवर बन गए? जानवर बन गए। तो वो यहां दिखाया है शास्त्रों में कि शंकर से क्या पैदा हुए है? जानवर जैसे पैदा हुए। एक को छह मुख हैं। अरे ज्यादा मुख किसको होते हैं? अरे विष्णु देवता है या ब्रह्मा देवता है जिसको ज्यादा मुख है? विष्णु देवता है। अनेक भुजाएं हो वो तो अच्छी बात है, अनेक मददगार हो जाएं, भुजाएं हो जाएं वो अच्छी बात है, लेकिन अनेक मुख हो जाएं, ओ भाई इधर की बात करे वो उधर की बात करे, वो इधर की बात करे वो इधर की बात करे, एक पश्चिमी सभ्यता की बात करे, एक पूर्वी सभ्यता की बात करे, एक दक्षिणी सभ्यता की बात करे, मुसलमानों की बड़ाई करे, वो अच्छा है? ये तो राक्षसी वृत्ति हो गई। तो शंकर की ये पैदाइश है, जो बड़ा बच्चा है वो षण्मुख छह मुंह वाला है, कभी इस्लामियों की बात करता है, कभी बौद्धियों की बात करता है, कभी क्रिश्चियंस की बात करता है, कभी मुसलमानों की बात करता है, कभी सन्यासियों की बात करता है, अभी भी संगम युग में कभी मंदिर में जाके झांझ बजाता है, फिर पट्टा खाता है, फिर कंपल में जाके भट्टी कर लेता है, भट्टी करके वापस लौटा, फिर कहीं गुरुद्वारे में बैठा देख लो। तो छह मुंह वाला है, छह जो आस्तिक धर्म है उन आस्तिक धर्मों में चक्कर काटता रहता है, छह धर्मों को सपोर्ट करता है, मुख से उनकी बढ़ाई करता है। तो वो छह मुंह वाला अच्छा, दो मुंह अच्छा या एक मुंह वाला अच्छा? तो एक मुंह वाला शिव बाबा बनाता है। और शंकर क्या करता है? एक मुंह वाला बनाता है या छह मुंह वाला बनाता है या दस मुख का रावण बनाता है? क्या बनाता है? हाँ? अरे राम ही रावण बन जाता है। क्या छह मुख तो बड़ी बात हो गई, राम क्या बन जाता है? रावण दस मुख वाला भाई भी बन जाता है। पांच मुख दिखाई, पंचानन कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, तीन मुख देखने में आते हैं, पीछे वाला मुख देखने में नहीं आता। अच्छा तो प्रश्न था, शंकर को गणेश दिखाया है, ऐसा तो आदमी कोई होता नहीं है, माना उसके मुख में देहभान बरह रहता है। क्या मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, आधा जानवर आधा मनुष्य है। तो मनुष्यों की पैदाइश है ये, शंकर देवता नहीं बनाता है, देवता कौन बनाता है? शिव देवता बनाता है। इसलिए शिव को याद करना भूलना नहीं। पूजा वूजा करते हैं तो कहते देवता है नमः, पहले अति शंकर गणेश देवता है नमः, पहले गणेश के पूजा करते हैं, सत्यनारायण के पूजा होते हैं, इसलिए करते हैं कि उसमें मुख का देहभान है। क्या भ्रष्ट इंद्रियों का देहभान नहीं दिखाते हैं? कौन सा देहभान ज्यादा है? मुख में देहभान है, श्रेष्ठ इंद्रियों में देहभान है। श्रेष्ठ इंद्रियां जो हैं वो भयंकर काम करने वाली हैं, बहुत तीव्र है, जानवर जैसी शक्ति है, बड़े बड़े राक्षसों को मुंह की खिला देता है। असुर का क्या किया? अच्छी तरह सुन पकड़ के यूं घुमाया धर के, और उस असुर ने सब देवताओं को अपनी लपेट में ले लिया।
सबकी ऐसी की तैसी कर दी। किसने छुड़ाया? अरे लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो संगम युग में वो गणेश भी चाहिए, तो इसलिए गणेश न देवता है, न मनुष्य है, न पूरा जानवर है, मिक्स है। ऐसी औलाद शिव की नहीं है, किसकी है? शंकर की औलाद है। और नमक कहाँ से उत्पत्ति हुआ? नमक कहाँ से पैदा होता है? समंदर में दो तरह का पानी होता है। मुरली में बोला है सागर मीठा भी और सागर खारा भी। जो गर्म जल की धारा बहती है समंदर के अंदर कहीं कहीं, उसमें मीठा पानी होता है, और ऐसे समंदर कहीं देखो तो उसमें खारा पानी होगा। तो चैतन्य ज्ञान सागर के ऊपर आ जाओ, मीठा ही मीठा है कि खारा भी है? खारी बातें भी सुनाता है। अगर खारी बातें नहीं सुनाता है तो वो ही बातें यहां बैठे वालों को मीठी लगती हैं और ब्रह्म कुमारियों को खारी लगती है। खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा है। तो सागर खारा भी और सागर मीठा भी, माने समंदर के जल को अगर सुखाया जाए तो सूखते 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 क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। ये फरक्काबाद में नमक बहुत भरा हुआ है, वहां का नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों में नमक मिलता है? हाँ, पहाड़ों में भी नमक मिलता है। नमक अच्छा, वो द्वापर युग में जब विनाश हुआ था ना, आधा विनाश, तो समंदर का पानी कहीं कहीं बहुत सूख गया और सूख करके वो पहाड़ बन गया, जिसे कहते हैं सेंधा नमक। वो नुकसान कम करता है। तो पता चला नमक कैसे बनता है? बाबा मेरी माँ है ना, तो भट्टी नहीं की हुई, तो वो बेसिक में चलती है, उसके हाथ का बना हुआ खाना खा सकते है यदि मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। बेसिक का मुरली नहीं सुनते हैं? भूसी की मुरली नहीं सुनती? नहीं सुनती है। तो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाती? माँ भट्टी नहीं की हुई। हम ये कह रहे तुम्हारे हाथ का खाना खाती कि नहीं? माँ खाती है। खाती है ना, उसके हाथ से खा सकती हूँ। सीढ़ी के चित्र में तुमने दिखाया रावण की जंजीरों में कौन सी शूटिंग हो रही है, राम राज्य की शूटिंग हो रही है कि रावण राज्य की शूटिंग हो रही है? बेसिक में रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। तो जब सीढ़ी के चित्र में दिखा दिया ऊपर से लेके नीचे तक भक्ति मार्ग ही भक्ति मार्ग चल रहा है, बेसिक में रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। तुम्हारी माँ रावण राज्य की शूटिंग में चल रही है कि नहीं? अरे चल रही है, चल रही है। इसका मतलब तुमको रावण संप्रदाय बनाएगी खाना खिला के या राम संप्रदाय बनाएगी? हैं? रावण संप्रदाय बनाए तो अपने हाथ से बना के खिलाओ। हैं? समस्या का मुकाबला करो।